कांग्रेस ने हमेशा ही हिंदू और मुस्लिम को लड़ाया है। ये बात भाजपा के पूर्व सांसद एवं श्रीराम जन्मभूमि न्यास के सदस्य डॉक्टर रामविलास वेदांती ने हमीरपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए कहा कि धारा 370 और राम मंदिर के बाद अब जल्द ही देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून आने की संभावना है। अयोध्या राम जन्मभूमि आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले प्रतापगढ़ लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के पूर्व सांसद रहे एवं श्री राम जन्मभूमि न्यास के सदस्य डॉक्टर रामविलास वेदांती ने हमीरपुर में एक सामाजिक संगठन के कार्यक्रम में रामलला मंदिर निर्माण को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि 70 वर्षों तक कांग्रेस ने हिंदू मुस्लिम को लड़ाया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 5 वर्षों में सामाजिक समरसता के लिए काम किया है। बता दें कि डॉक्टर रामविलास वेदांती लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर के पक्ष में प्रचार करने के लिए हमीरपुर आए थे और इसी दौरान उन्होंने दावा किया था कि भाजपा धारा 370 और रामलला मंदिर निर्माण के अपने वादे को पूरा करेगी। सरकार बनने के बाद हमीरपुर पहुंचने पर उन्होंने अपने वादे को याद करते हुए कहा कि सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना वादा पूरा किया है। उन्होंने ये भी उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसंख्या नियंत्रण पर जल्द ही कानून बनाएंगे। हिमाचल प्रांत में आया था मिशन मोदी अगेन पीएम के माध्यम से और यहाँ की जनता को विश्वास देकर गया था कि नरेंद्र मोदी को दोबारा मैं प्रधानमंत्री बनाऊंगा और दोबारा प्रधानमंत्री बनने के बाद 370 धारा समाप्त होगी, 35 समाप्त होगा और अयोध्या में भव्य रामलला के मंदिर का निर्माण होगा। हमने जो वचन यहाँ के लोगों को दिया था वो वचन पूरा करके तब मैं फिर से हमीरपुर आया हूँ और मुझको विश्वास है कि 70 वर्षों तक कांग्रेस ने हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाने का काम किया था, लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी जब आए तो उन्होंने नारा दिया सबका साथ सबका विकास और 5 वर्षों तक देश में हिंदू मुसलमानों को मिलाने का काम किया, सामाजिक समरसता का काम किया। 2019 के चुनाव में उन्होंने सबका साथ सबका विकास के साथ में सबका विश्वास का नारा दिया और सबका विश्वास जो उन्होंने प्राप्त किया उसी का ये परिणाम है कि आज भाजपा 300 के पार पहुंच गई और इस समय पार्लियामेंट चल रही है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि 15 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी ने लाल किले से घोषित किया था कि जनसंख्या नियंत्रण कानून भी बनेगा, मुझे ऐसा लगता है वो भी जल्दी आने वाला है। उन्होंने कहा कि इन दिनों लोकसभा का सत्र चल रहा है, ऐसे में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून बनाए जाने के आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, हमीरपुर।